हेलो स्टूडेंट्स, एज यूजुअल आई एम शहजाद खान फ्रॉम टैगोर स्कूल परबत्सर। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं टैगोर स्कूल परबत्सर से शहजाद खान हूँ। आई हार्टली वेलकम ऑल ऑफ यू इन टैगोर स्कूल ऑनलाइन क्लासेज। मैं आप सभी का टैगोर स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूँ। इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव कम्प्लीटेड दिस चैप्टर अप टू हियर। हमने इस अपने प्रीवियस वीडियो में पिछले वीडियो में इस अध्याय को यहाँ तक है कंप्लीट किया था। और जो रेशनल नंबर अपने चैप्टर फर्स्ट चैप्टर का नेम है रेशनल नंबर, उसको हमने पेज नंबर थ्री में रेशनल नंबर जो हम क्लोजर प्रॉपर्टीज जो है रीड कर रहे थे, क्लोजर प्रॉपर्टी का स्टडी कर रहे थे, तो उसमें रेशनल नंबर की जो ऑपरेशन है एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेशन वो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो रेशनल नंबर जो डेफिनेशन है रेशनल नंबर की अप टू हियर, यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था अपने प्रीवियस वीडियो में। एंड आवर टुडे वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी द फर्दर पार्ट ऑफ फर्स्ट चैप्टर। आज के हम इस वीडियो में अपने पहले अध्याय से रिलेटेड आगे के जो पार्ट्स है भाग है उनको हम रीड करेंगे। तो फर्स्ट है इसमें पार्ट ए है इसका रेशनल नंबर में जो क्लोजर प्रॉपर्टी के अंडर आता है अपने रेशनल नंबर में जो एडिशन है उसको हम सॉल्व करेंगे। वो देखेंगे कि रेशनल नंबर है वो एडिशन के अंडर क्लोज है या नहीं है। तो फर्स्ट है अपने यू नो हाउ टू एड टू रेशनल नंबर, यू नो हाउ टू एड टू रेशनल नंबर। आप जानते हैं कि परिमेय संख्याओं कैसे जोड़ा जाता है, टू रेशनल नंबर दो परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है। जैसा कि एग्जांपल में यहाँ ऐड किया हुआ है टू रेशनल नंबर है, फर्स्ट रेशनल नंबर 3/8 एंड सेकंड है -5/7, इन दोनों को ऐड किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे ये रेशनल नंबर जो हमें ऑब्टेन हो रहा है। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट एग्जाम्पल है -3/8 एंड -4/5, टू रेशनल नंबर है उनको ऐड करेंगे तो यहाँ पर डॉट डॉट दे रखी है कि जो ऑप्टेन होगा वो हमारे पास क्या होगा। तो पार्ट ए है कि ये पूछ रहा है इट इज रेशनल नंबर, क्या ये परिमेय संख्या है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा कि हमें रेशनल नंबर फाइंड होता है या नहीं। इसी प्रकार इसमें थर्ड एग्जाम्पल भी है, ये 4/7 एंड 6/11 टू रेशनल नंबर है, इनको भी ऐड करेंगे और हम ये देखेंगे कि एट रेशनल नंबर क्या ये एक परिमेय संख्या जो है फाइंड होती है या नहीं, याद होती है नहीं, प्राप्त होती है नहीं। तो एडिशन है, यहाँ पर एडिशन करेंगे रेशनल नंबर टू रेशनल नंबर को ऐड करके देखेंगे। तो पार्ट फर्स्ट के अंदर हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे अपना वर्क। तो फर्स्ट है अपने पार्ट ए। सो पार्ट ए के अंदर जो नंबर्स है अपने वो हमें सोल्व किए हुए हैं बुक्स में। फर्स्ट है रेशनल नंबर 3/8 एंड सेकेंड रेशनल नंबर है -5/7 और स्मॉल ब्रैकेट क्लोज किया हुआ है अपने। नेक्स्ट इसको सोल्व करेंगे तो रेशनल नंबर की जो एडिशन है वो किस प्रकार हम फाइंड करते हैं। तो रेशनल नंबर की एडिशन या हम कह सकते हैं फ्रैक्शन की एडिशन, तो एडिशन जब करते हैं रेशनल नंबर की तो हमारे पास कुछ मेथड है उनका यूज कर हम ये सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट हम क्रॉस मल्टीपल मेथड से इसको सोल्व करेंगे या हम डेनोमिनेटर को इक्वल करके भी कर सकते हैं, एलसीएम मेथड है उससे भी हम इसको सोल्व करते हैं। तो थ्री मेथड में आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट है क्रॉस मल्टीपल मेथड, सेकंड डेनोमिनेटर इक्वल करके जो मेथड यूज करते हैं, और थर्ड जो अपना मेथड है वो एलसीएम मेथड है। तो हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल मेथड से करेंगे। क्रॉस मल्टीपल मेथड इजी रहेगा टू नंबर्स के लिए, अगर टू से मोर हो तो फिर एलसीएम मेथड यूज करते हैं, बड़ी संख्याओं के लिए जो है हम एलसीएम मेथड यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल मेथड के अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व करेंगे। तो क्रॉस मल्टीपल मेथड के अकॉर्डिंग हम जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसको सेकंड के डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन सेकंड के न्यूमरेटर को फर्स्ट के डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे एंड डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से जो है मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस प्रकार क्रॉस मल्टीपल यानी तिरछा गुणा वज्र गुणा हम कहते हैं इसको, 3 को 7 से, -5 को 8 से एंड 8 को 7 से, ये मेथड अपना। तो इसको सोल्व करते हैं हम, तो यहाँ पर सोल्व करेंगे
3 को 7 से मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई 7, एंड जो साइन है बिटवीन इनके वो साइन हम यहाँ पुट करेंगे, एंड माइनस 5 को इससे 8 से, तो माइनस 5 मल्टीप्लाई 7, एंड नेक्स्ट डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया जाएगा, सो 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 मल्टीप्लाई बाय 7, सो मल्टीप्लाई करेंगे 3 7 जा 21, एंड यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 5 7 जा 35, 8 का साइन है यहाँ, 8 का साइन रखेंगे और इसको ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि यहाँ नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस 35, एंड डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से 8 7 जा 56। अब यहाँ पे 2 साइन है तो अनइक्वल साइन है, तो साइन एक सब्ट्रैक्ट करेगा, अगर इक्वल साइन हो तो 8 का साइन आता है, अनइक्वल साइन हो तो सब्ट्रैक्ट का साइन हम पुट अप करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 21 एंड माइनस 35 अपॉन 56 और सोल्व करेंगे आगे, तो सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए 21 है पॉजिटिव है एंड 35 के आगे नेगेटिव साइन है, यानी अनइक्वल साइन है, प्लस माइनस जो है माइनस होता है, तो अनइक्वल साइन है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, 35 में से 21 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर अपने क्या फाइन होगा, तो यहाँ पर देखेंगे तो इसमें से 5 में से 1 तो रिमेनिंग रहेंगे 4, एंड या 3 में से 2 1, तो इस प्रकार हम इसको सोल्व करेंगे एंड 56 यहाँ पर सोल्व करेंगे तो आएंगे 14 अपॉन 56, तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन आएगा 14 अपॉन 56। नेक्स्ट अपने एग्जांपल यहाँ पर देखेंगे अपन, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक अपने, यहाँ पर हमने माइनस 5 को 8 से करना था या 7 से हमने ले लिया, 5 8 जा 40, सो यहाँ पर 8 करना है यहाँ पर, और यहाँ पे 40 यहाँ पर पुट करना है अपने, 5 8 जा 40, एंड 40 में से 21 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर रिमेनिंग रहेंगे 90, और वो भी नेगेटिव क्योंकि जो बिग नंबर है उसके आगे जो सब्ट्रैक्ट का साइन है, तो माइनस 19 अपॉन 56 यहाँ पर फाइंड करेंगे, तो 19 अपॉन जो 56 है वो एक रेशनल नंबर है, तो हमने ये जो फाइंड किया है वो अपने पास आया है रेशनल नंबर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब 2 रेशनल नंबर को हम ऐड करते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो एक पॉजिटिव रेशनल नंबर और एक नेगेटिव रेशनल नंबर है, उनको हम ऐड करते हैं तो हमें उनका जो एडिशन है उनकी जो है वो रेशनल नंबर जो है ऑब्टेन होती है। नेक्स्ट एग्जांपल है इसी प्रकार, तो फर्स्ट था देखिए माइनस 19 अपॉन 56 है, अब सेकंड एग्जांपल है, तो ये तो अपने ये रेशनल नंबर है तो हम लिख सकते हैं ये रेशनल नंबर, अब नेक्स्ट है इसको भी हम जो है सोल्व करेंगे और पता करेंगे क्या ये रेशनल नंबर है, इज इट ए रेशनल नंबर, तो यहाँ पर इसको भी सोल्व करते हैं, तो सोल्व करते हैं सेकेंड, तो सेकेंड यहाँ पर इसको सेकेंड एग्जाम्पल है पार्ट ए का, तो पार्ट ए का सेकेंड एग्जाम्पल या -3 अपॉन 8 एंड -4 अपॉन 5। सेम उसी प्रोसेस से इसको करेंगे क्रॉस मल्टीपल मेथड से, 3 को 5 से, तो -3 मल्टीप्लाई 5 एंड बीच में पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव साइन, एंड -4 को 8 से, तो यहाँ पर -4 है उसको हम ब्रैकेट में लेंगे मल्टीप्लाई बाय 8, एंड डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 8 को 5 से 8 मल्टीप्लाई 5, और सोल्व करेंगे यहाँ पर, तो सोल्व करेंगे 3 5 जा 15 एंड ये पॉजिटिव या नेगेटिव, मल्टीप्लाई डिवाइडेशन में केवल हम साइन देखते हैं, बिग नंबर नहीं देखते हैं, अनइक्वल साइन है तो सब्ट्रैक्ट का आएगा और इक्वल साइन है तो जो है पॉजिटिव साइन आएगा यहाँ पर, प्लस नेक्स्ट 8 4 जा 32 और अनइक्वल साइन है प्लस माइनस माइनस के, तो यहाँ ब्रैकेट में रहेंगे इसको, नेक्स्ट है डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से हम करते हैं 8 5 जा 40, अब नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे माइनस के 15 एंड अनइक्वल साइन है तो सब्ट्रैक्ट का आएगा प्लस माइनस माइनस 32 अपॉन
40 और यहाँ पर इक्वल साइन है, इक्वल साइन है तो ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो 15 एंड 32 को ऐड करेंगे, 5 एंड 2 7 एंड 3 एंड 1 4 और दोनों पे सब्ट्रैक्ट का साइन है तो सब्ट्रैक्ट का साइन लगेंगे तो अपने पास जो है ऑप्टेन होंगे -47/40। ये भी एक रेशनल नंबर है तो हमने यहाँ पर सेकंड एग्जांपल में देखे दोनों ही नेगेटिव रेशनल नंबर थे तो जब टू नेगेटिव रेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो एक नेगेटिव रेशनल नंबर फाइंड होता है। तो आप हम कह सकते हैं कि यस इट इज ए रेशनल नंबर। तो ये भी क्या है अपने पास एक रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। तो हम लिख सकते हैं ए रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर एक परिमेय संख्या है, तो एक परिमेय संख्या है ये भी अपने पास। इसी प्रकार थर्ड एग्जांपल वो भी चेक करते हैं तो थर्ड एग्जांपल है 4/7 and 6/11। तो यहाँ पर 4/7 and 6/11 दोनों ही पॉजिटिव यहाँ पर दिख रहे हैं अपने, दोनों ही पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव रेशनल नंबर, ये भी पॉजिटिव रेशनल नंबर है। फर्स्ट में हमने देखा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को ऐड किया था, सेकंड में हमने दोनों नेगेटिव रेशनल नंबर को ऐड किया था और थर्ड में एक दोनों ही पॉजिटिव जो है दोनों ही नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो इस प्रकार अलग अलग टाइप से हम इनको ऐड कर रहे हैं। तो थर्ड एग्जाम्पल में 4/7 यहाँ पर थर्ड का भी हम देख लेते एग्जाम्पल थर्ड के अंदर भी इसमें तो अपने पास देखा 4/7 एंड प्लस सेकंड नंबर है यहाँ पर 6/11 इनको ऐड करते हैं। क्रॉस मल्टीपल मेथड का यूज करेंगे 4 को 11 से सो 4 × 11 प्लस 6 को 7 से सो 6 × 7 एंड डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर 7 × 11 यहाँ पर 4 × 11 = 44 प्लस 6 × 7 = 42 एंड 11 × 7 = 77 यहाँ सोल्व किए। अब दोनों को ऐड करना है, दोनों ही पॉजिटिव है तो 44 एंड 42 को ऐड करेंगे 4 × 6 and 4 × 4 = 86/77। तो यहाँ पे भी देखा हमने दो पॉजिटिव रेशनल नंबर को ऐड किया तो हमें एक जो है पॉजिटिव रेशनल नंबर फाइंड हुआ ए रेशनल नंबर। तो एक रेशनल नंबर ही हमें ऑब्टेन हुआ है तो हम लिख सकते हैं रेशनल नंबर एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या नंबर। अब इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो एडिशन है एडिशन के अकॉर्डिंग जो रेशनल नंबर है यानी फर्स्ट ऑपरेशन था हमें एडिशन, अब हम सब्ट्रैक्शन एंड देन सब्ट्रैक्शन के आफ्टर हम जो है मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई के आफ्टर हम डिवीजन को भी चेक करेंगे कि ये क्लोजर है या नहीं रेशनल नंबर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं यहाँ अपने दे रखा है इसमें आगे कि हमने एग्जांपल थे अपने थ्री एग्जांपल थे, इन थ्री एग्जांपल के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि चाहे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव या दोनों ही नेगेटिव या दोनों ही पॉजिटिव अगर रेशनल नंबर है उनको हम ऐड करते हैं तो हमें ऑलवेज यानी हमेशा एक रेशनल नंबर ही ऑब्टेन होता है। तो यहाँ से हम कुछ निष्कर्ष निकालते हैं जैसे लिखा हुआ आगे, इससे एग्जाम्पल से हमने जो निष्कर्ष निकाले हैं वो इस प्रकार है। वी फाइंड दैट सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज अगेन ए रेशनल नंबर के हम देखते हैं कि दो परिमेय संख्या का योग भी एक परिमेय संख्या है। हमने देखा कि टू रेशनल नंबर को ऐड किया, थ्री एग्जाम्पल थे अपने पास फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इनमें तीनों में ही हमने रेशनल नंबर फाइंड किया तो हमने ये देखा कि दो परिमेय संख्या का योग भी एक परिमेय संख्या होती है। फाइंड दैट सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज अगेन ए रेशनल नंबर, चेक इट यानी हमने इसकी जांच भी की हमने फॉर ए फ्यू मोर पेयर्स ऑफ रेशनल नंबर यानी कि कुछ और परिमेय संख्याओं के युग्मों के लिए इसकी जांच कीजिए। तो इनके अलावा भी हमें और भी कुछ युग्म लेकर इनकी जांच करनी चाहिए। नेक्स्ट तो वी से दैट रेशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन, तो हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमने चेक किया इनको कुछ जो है मोर पेयर्स यानी कुछ और युग्म लिए थे हमने
इसके फर्स्ट एग्जांपल फर्स्ट अपने सोल किया हुआ था, फर्स्ट के अलावा सेकंड और थर्ड को भी हमने जो एग्जांपल लिए थे और उसके बेस पे हम कह सकते हैं कि वी से दैट रेशनल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन, कि जो रेशनल नंबर है कि इस प्रकार हम कह सकते हैं जो परिमेय संख्या योग के अंतर्गत समर्थ होती है या समर्थ है, दैट इज फॉर एनी टू रेशनल नंबर ए एंड बी, ए प्लस बी इज आल्सो ए रेशनल नंबर। तो हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अर्थात किन्हीं दो परिमेय संख्या ओ ए और बी के लिए ए प्लस बी भी एक परिमेय संख्या होती है, तो ये कह सकते हैं। नेक्स्ट अपना पार्ट बी, इसमें तो फर्स्ट हो गया अपना पार्ट ए। अब पार्ट ए हमने कंप्लीट किया है, तो पार्ट ए के अंदर तो थ्री एग्जांपल थे अपने को एच डब्ल्यू में करनी चाहिए, इनको सोल्व करना चाहिए होमवर्क में। जैसा कि हमने सोल्व किया पार्ट ए, तो पार्ट ए लगा के इसको इसका फर्स्ट एग्जांपल ये जो है अपना फर्स्ट, इसको सेकंड एग्जांपल लिखकर हमें नोटबुक्स में होमवर्क में करना चाहिए, और इसे थर्ड एग्जांपल के रूप में लिखकर इसको सोल्व करना अपने होमवर्क में नोट करना है। तो ये होमवर्क में भी करना है, साथ साथ अब पार्ट बी देखते हैं हम सबट्रैक्शन के लिए। ये अपना था एडिशन के लिए, तो अपना एडिशन के लिए है, तो यहाँ पर ऊपर हम लिख लें एडिशन, एडिशन यहाँ ऊपर लिखना है एडिशन और किसके अंतर्गत चला अपने क्लोजर प्रॉपर्टी रेशनल नंबर की, तो यहाँ हमें लिखना है रेशनल नंबर सेकंड थर्ड पार्ट चल रहा है रेशनल नंबर, थर्ड नंबर अपना रेशनल नंबर। तो फर्स्ट हमने किया था वूल नंबर, सेकंड हमने नेचुरल नंबर किया था, थर्ड अपना क्लोजर जो प्रॉपर्टीज के अंडर रेशनल नंबर, उसमें फर्स्ट ऑपरेशन एडिशन के अकॉर्डिंग कुछ एग्जाम्पल है वो हमें नोट करने हैं। अब नेक्स्ट है अपना यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का, तो देखिए सेकंड है पार्ट बी, तो पार्ट बी के अंदर हम रीड करते हैं, विल द डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर बी अगेन ए रेशनल नंबर, कि क्या दो परिमेय संख्याओं का अंतर भी एक परिमेय संख्या होगा। जिस प्रकार हमने देखा कि टू रेशनल नंबर का जो एड है वो रेशनल नंबर होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर जो है क्लोज है, इसे हम कह सकते हैं कि रेशनल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन। क्यों कहा हमने, क्योंकि जब भी टू रेशनल नंबर को ऐड किया तो रेशनल नंबर ही ऑब्टेन हुआ। इसी प्रकार क्या हम सब्ट्रैक्शन में भी कह सकते हैं, अगर ऐसा होता है कि एक जो रेशनल नंबर है उसमें से सेकंड को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पर सेकंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रेशनल नंबर ही फाइंड होता है, तो ये हम कह सकते हैं ये भी जो सब्ट्रैक्शन भी है वो क्लोज होगा, रेशनल नंबर जो है क्लोज होगा अंडर सब्ट्रैक्शन के। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल दे रखे हैं अपने पास कि वी है हम प्राप्त करते हैं, देखिए यहाँ पे दे रखा -5/7 -2/-2/3 -5, ये फर्स्ट एग्जांपल। तो हम फर्स्ट एग्जांपल पार्ट बी लिखकर यहाँ पर नोट कर लेते हैं ताकि अपने ठीक रहे। यहाँ सेकंड, तो सेकंड लिखना, फर्स्ट हमने जो है इसमें एडिशन लिखा था, तो सेकंड है सब्ट्रैक्शन, जो अपने ऑपरेशन दे रखा है वो है सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पर पहले लिख के सब्ट्रैक्शन और उसके बाद हमें सब्ट्रैक्शन के अंतर पार्ट बी लिख दें सब्ट्रैक्शन, और इसका सॉरी फर्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल फर्स्ट हम लेते हैं, ये सोल्व किया हुआ है बुक्स में, वैसे एक बार हम सोल्व कर लेते हैं -5/7 -2/2/3 यहाँ सोल्व करते हैं हम आगे। तो ये अपना सब्ट्रैक्शन के अंदर फर्स्ट एग्जांपल है, तो फर्स्ट एग्जांपल उसी टाइप से करेंगे। देखो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों में एक ही मेथड का यूज होता है, जैसे उसमें एडिशन में हम क्रॉस मल्टीपल मेथड का यूज करते हैं, तो सब्ट्रैक्शन में भी हम क्रॉस मल्टीपल मेथड का यूज करते हैं। इसको भी हम एलसीएम मेथड से सोल्व कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन को एडिशन को भी कर सकते हैं, इसी तरह डिनोमिनेटर इक्वल करके भी इसको सोल्व कर सकते हैं सब्ट्रैक्शन और एडिशन को। तो यहाँ सेम उसी मेथड से सोल्व करना है, तो अपने लिए इजी है ये भी, जिस प्रकार सब्ट्रैक्शन किया उसी टाइप से इसको सोल्व करना अपने को। तो सोल्व करते हैं अपन इसको, तो यहाँ पर हम लिखते हैं
आगे। तो क्रॉस मल्टीपल मेथड से 5 को 3 से, तो माइनस 5 मल्टीप्लाई 3 अपॉन, सॉरी माइनस 2 को 7 से, यानी 5 को 3 से 2 को 7 से, सो 2 मल्टीप्लाई 7 एंड डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर 7 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू, यहाँ सोल्व कर लेते हैं आगे, आगे सोल्व करेंगे इसको, 5 3 जा 15 नेगेटिव आएंगे एंड माइनस 2 7 जा 14 अपॉन 7 3 जा 21 और आगे सोल्व करेंगे इसको, तो आगे सोल्व करेंगे तो आएंगे दोनों ही नेगेटिव साइन है, तो यानी सेम साइन है तो एड होगा, तो दोनों को एड करेंगे तो 14 एंड 15 हो गए 19, 14 एंड 15 है अपने 29 सॉरी माइनस के, क्योंकि दोनों इक्वल साइन है सब्ट्रैक्शन के एंड 21। तो ये जो अपने पास आया ये एक रेशनल नंबर है, तो हम कह सकते हैं जो फाइंड किया हमने ये क्या है कि ए रेशनल नंबर, ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, तो एक परिमेय संख्या है, तो एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार सेकंड एग्जांपल है इसका, तो सेकंड एग्जांपल को भी हम सॉल्व करेंगे, तो सेकंड एग्जांपल हम निकालते हैं बुक्स में आगे, ये अपना सेकंड एग्जांपल है इसमें, तो इसको भी सॉल्व करते हैं सबट्रैक्शन के अंदर। सेकंड एग्जांपल अपना यहाँ पर सेकंड नंबर लगाना है सबट्रैक्शन के अंडर एग्जांपल सेकंड, नंबर है अपना 5 अपॉन 8 सब्ट्रैक्ट 4 अपॉन 5, इसको भी सॉल्व करते हैं। चलो एक ही लाइन में कर लेते हैं अपन इसको, आगे न्यू लाइन का साइन लगाते हैं न्यू लाइन का। अब क्रॉस मल्टीपल मेथड से 5 को 5 से, तो यहां पर राइट कर 5 मल्टीप्लाई 5 एंड माइनस 5 को 5 से, 4 को 8 से एंड डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से, क्रॉस मल्टीपल मेथड 4 मल्टीप्लाई 8 एंड डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से हम मल्टीप्लाई करें 8 मल्टीप्लाई बाई 5, 8 फाइव जा 40, 5 फाइव जा 25, माइनस 4 8 जा 32, 4 8 जा 32 अपॉन 8 फाइव जा 40, 8 फाइव जा 40। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहां देखिए 25 के आगे कोई साइन नहीं, तो ये पॉजिटिव साइन है यहाँ पर, यानी ये पॉजिटिव नंबर से, और 32 के आगे नेगेटिव साइन है, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो अनइक्वल साइन है, अनइक्वल साइन है, तो हम करेंगे सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने पर आएंगे 7, तो 7 होंगे क्योंकि 32 में से 25 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएंगे 7, और 7 आएंगे सब्ट्रैक्ट का साइन आए, क्योंकि बिग नंबर 32 के आगे अपने जो साइन है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव साइन अपॉन 40। तो हमने देखा ये भी एक क्या आया, रेशनल नंबर। जब हम एक रेशनल नंबर में से एक रेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें फाइंड होता है रेशनल नंबर। तो हम देखते हैं ये एक रेशनल नंबर, तो हम यहाँ पर राइट कर सकते हैं कि ए रेशनल नंबर, यानी एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या। नेक्स्ट है एग्जांपल आगे थर्ड एग्जांपल, इसमें देखिए पूछा गया था अपने इज इट ए रेशनल नंबर, तो हम कहेंगे यस इट इज ए रेशनल नंबर। तो हमने फाइंड किया माइनस 7 अपॉन 14 इसका जो है वैल्यू आई है और वो एक रेशनल नंबर है, तो हम कह सकते हैं यस इट इज ए रेशनल नंबर। नेक्स्ट है थर्ड एग्जाम्पल इसका, तो थर्ड को भी हम सोल्व करते हैं, तो एग्जाम्पल थर्ड में नंबर है अपने 3 अपॉन 7 माइनस 8 अपॉन 5। यहाँ पे देखिए एक पॉजिटिव रेशनल नंबर एक नेगेटिव, यहाँ दोनों ही एक पॉजिटिव दोनों ही पॉजिटिव थे, यानी ये तो सब्ट्रैक्ट का साइन था, यानी दोनों ही पॉजिटिव थे, यहाँ एक पॉजिटिव एक नेगेटिव जो नंबर है रेशनल नंबर। अब हम क्रॉस मल्टीपल मेथड से सोल्व करेंगे इसी को, यहाँ सोल्व करेंगे 3 को, चलो पहले हम साइन हटा लेते हैं, पहले साइन हटा लेते हैं, तो यहाँ 3 अपॉन 7 राइट करेंगे, देखो इक्वल साइन है तो प्लस का आएगा और अनइक्वल हो तो माइनस का, 8 अपॉन 5 ऐसे भी राइट कर सकते हैं। अब हम क्रॉस मल्टीपल मेथड यूज कर लेते हैं 3 को 5 से, 3 5 जा, अब आपके अच्छी तरह ये अंडरस्टैंड हो गया समझ में आ गया, इसलिए डायरेक्ट लिखते हैं हम 3 5 जा 15, यानी 3 को 5 से, 8 को 7 से, 8 7 जा 56, इनके बिटवीन प्लस का साइन, तो प्लस का साइन लिखा हमने, और डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर 7 5 जा
35। अब सोल्व करेंगे तो यहाँ 8 का चिन्ह यानी ऐड करना, दोनों पॉजिटिव नंबर, तो इजीली 6 एंड 5 11, 1 फ्रॉम 11 एंड 1 क्रेडिट ऑन 10 प्लस डिजिट 5 एंड 1 6, 6 एंड 1 क्रेडिट 7 अपॉन 35, तो नंबर आए 71 अपॉन 35। ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर। तो पूछा गया था हमें कि यह रेशनल नंबर है, तो हम कहेंगे यस इट इज ए रेशनल नंबर, या हम लिख सकते हैं ए रेशनल नंबर, यानी एक परिमेय संख्या, ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। इस प्रकार हम जो है इसके तीनों एग्जांपल है वो सोल्व कर चुके हैं सब टेक्सन के, तो इसी के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं। तो देखिए अपने होमवर्क में भी जो अभी वर्क किया हमने नोटबुक्स में, अभी पहले एडिशन से रेशनल नंबर में पहला ऑपरेशन था एडिशन, वो फिर हमने जो है सबट्रैक्शन स्टार्ट किया था, सबट्रैक्शन में भी 3 एग्जांपल है, उनको होमवर्क में कंप्लीट करना अपने को। अब देखिए आगे नेक्स्ट है अपने, इसमें जो हमने ये एग्जांपल सोल्व किए उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि ट्राई दिस फॉर सम मोर पेयर ऑफ रेशनल नंबर। हमने ट्राई किए हैं, ये जो पेयर दिए हुए थे, युग्म दिए हुए थे, उनको हमने सोल्व किए हैं, तो सोल्व करने पर हमें ये पता चला परिमेय संख्या कुछ और युग्मों के लिए इसकी जांच कीजिए, तो और भी युग्म ले सकते हैं, हमने वैसे दो और भी दिए हुए थे अपने, एक तो सोल्व किया था और सेकंड और थर्ड हमने सोल्व किए थे। वी फाइंड दैट रेशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर सबट्रैक्शन। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि परिमेय संख्या व्युकलन के अंतर्गत समर्थ है। तो इस प्रकार हमने देखा कि 2 रेशनल नंबर को ऐड करने पर हमें एक रेशनल नंबर में से सेकंड रेशनल नंबर, फर्स्ट रेशनल नंबर में से सेकंड रेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट करने पर हमें रेशनल नंबर ही फाइंड होते हैं, चाहे दोनों पॉजिटिव हो, चाहे दोनों नेगेटिव हो, चाहे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रेशनल नंबर हो, चाहे किसी भी टाइप से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं रेशनल नंबर को, तो हमें रेशनल नंबर ही फाइंड होता है, ज्ञात होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो रेशनल नंबर है वो क्लोज होते हैं अंडर सब्ट्रैक्शन के। दैट इज फॉर एनी टू रेशनल नंबर ए एंड बी, ए माइनस बी इज आल्सो ए रेशनल नंबर। तो हम कह सकते हैं अर्थात किन्हीं दो परिमेय संख्याओं ए तथा बी के लिए ए माइनस बी भी एक परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार हमने जो आज जो रेशनल नंबर के अकॉर्डिंग जो हमने क्लोजर प्रॉपर्टी रीड की है, उसमें हमने फर्स्ट रेशनल नंबर में एडिशन और सब्ट्रैक्शन 2 ऑपरेशन है वो हमने अभी तक कंप्लीट किए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जो एडिशन जो रेशनल नंबर है वो रेशनल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन एंड रेशनल नंबर आर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, यानी कि जो परिमेय संख्या है वो योग के अंतर्गत समर्थ है और परिमेय संख्याएं जो है वो व्यवकलन के अंतर्गत भी समर्थ होती है। कि हमने ये अभी तक समझा है आज के इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आगे जो पार्ट सी है इसी में रेशनल नंबर में, यानी मल्टीप्लेक्शन और डिवीजन, वो आगे के पार्ट हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, और जो भी वर्क आज हमने नोटबुक में बताए रेशनल नंबर में, जो फर्स्ट ऑपरेशन जो एडिशन के 3 एग्जाम्पल और जो सब्ट्रैक्शन है उसके 3 एग्जाम्पल हमें होमवर्क में कम्प्लीट करना है।